हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। आज है थर्सडे और आज है बड़ा दिन कि आज है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेकेंड सेमीफाइनल मैच, जो कि आईएसटी के हिसाब से 1:30 बजे शुरू होगा। सो गुड लक टू इंडियन टीम और होपफुली आज का मैच जीत जाएं और सीधा फाइनल में पहुँचें और वहाँ पर भी पाकिस्तान के साथ भिड़ के उनको हरा दें और कप इंडिया लेके आए इस बार दोबारा से। ऑल द बेस्ट। बाकी ब्रेकफास्ट हो चुका है, बच्चे जा चुके हैं स्कूल, वाइफ जा चुकी है ऑफिस अपने, और आज हम वेट करेंगे भैया मैं तो आज मैच देखूंगा होपफुली। तो जो लोग बिग बॉस देखते हैं उनके लिए खबर है कि जो अर्चना गौतम है इसको शायद एवेक्ट कर देंगे घर से। ये ऐसे कुछ प्रोमोस चल रहे हैं अभी यूट्यूब पे, दिखा कि उसने शिव ठाकरे जो उस पर उसकी गर्दन पकड़ ली, मतलब आर्गूमेंट में, और गर्दन दबाने की कोशिश करी। सो प्रोवोक तो करते रहते हैं लोग, एक दूसरे को चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं, पर बिग बॉस के हाउस में फिजिकल वायलेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो उसके चलते आई थिंक जो घर वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे कि अब हम इसके साथ नहीं रह सकते, और न्यूज़ यही आ रही है कि उसको वेट कर दिया बिग बॉस ने। और कुछ भी हो सकता है, मतलब अभी तो ये शायद हाइप देने के लिए है। हो सकता है कि उसको माफ़ी मंगवा के वापस घर भेज दें, या फिर थोड़े दिन के लिए बाहर किसी सीक्रेट रूम में रखें, कुछ भी हो सकता है। तो एनालिसिस करेंगे शायद बिग बॉस की किस इंटेंशन से किया था, या क्या था, फिजिकल वॉलेज थी या नहीं थी, कितना प्रोवोक किया क्या नहीं किया। पर मेरे ख्याल से प्रोवोक तो हर कोई करता रहता है, फिजिकल वायलेंस के लिए जीरो टॉलरेंस है वहाँ। तो देखते हैं अभी, आज इंटरेस्टिंग होगा, आज तो काफ़ी चीज़ें हैं। अभी इंडिया का मैच भी है और रात को बिग बॉस, और द गुड डॉक्टर का जो मैं सीजन देख रहा हूँ उसका एपिसोड अब कल एयर होगा फ्राइडे को, उसका भी इंतजार है मेरे को एक हफ्ते से। सो गाइस, वही हुआ जिसका डर था, इंडिया हार गई और सेमीफाइनल और फाइनल की रेस से तो बाहर हो गई। अब फाइनल जो होगा वो होगा इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। मतलब शुरू में ही मतलब उनसे रन बन ही नहीं रहे थे, मतलब एंड में चलो कुछ भी करके उन्होंने 160 पार कर लिया, पर बीच में इतने स्लो हो गए थे। उसके बाद तो उन्होंने इंग्लैंड ने तो बिल्कुल ही ओवर शैडो कर दिया सब कुछ, वो तो आउट ही नहीं हो पाई थी। पर इंग्लैंड भी अच्छा खेला, मतलब उनकी बॉलिंग भी अच्छी थी और बैटिंग तो लाजवाब थी, मतलब एक भी आउट नहीं हुआ उनका। कैप्टन इनिंग भी खेली और एक और जो प्लेयर था उसने भी अच्छे खासे रन बना दिए, मतलब दोनों ने मिलके ही टारगेट पार कर लिया। सो आन्या और उसकी सिस्टर अवन्या और उनकी मम्मी अभी गए हुए हैं एक बर्थडे पार्टी में। जो बड़ी बेटी है मेरी आन्या, उसी क्लास में एक लड़का है, उसका छोटा भाई हुआ है, उसका फर्स्ट बर्थडे है आज। सो उसकी हमारी सोसाइटी में रहते हैं, हमारी बिल्डिंग में रहते हैं अब तो। सो उसकी मदर मेरी वाइफ को ना अच्छे से जानती है, फ्रेंड है उसके। सो उन्होंने विद फैमिली इन्वाइट किया था, सो मैं और मम्मी पापा तो नहीं जा पाए, पर वो तीनों गए हैं अभी। तो मेरे ख्याल से वो तो खा के आएंगे अब।
मुझे तो आ रही नींद, डिनर हो गया और अब तगड़ी नींद आ रही है, तो मैं तो चला सोने। सो आज के दिन और ब्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं कल नए ब्लॉग और नए दिन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।